इन दिनों बिहार की राजनीति में जमकर उथल पुथल मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का भी लगातार दौर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और मामला इतना बढ़ गया है कि जेडीयू नेता और बीजेपी नेता आपस में लड़ गए हैं। हाल ही में सीवान से जेडीयू नेता अजय सिंह ने टुंडा पांडे पर जमकर निशाना साधा और जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने भी अजय सिंह के ही हाँ से हाँ मिलाने का काम किया। लेकिन अब इस मामले में टुंडा पांडे ने अजय सिंह के बयान का जवाब देते हुए अपने सोशल अकाउंट से कहा है कि पितृपक्ष में शादी रचाने वाले पता नहीं उनके चेहरे में ऐसा क्या था कि नीतीश जी ने नकार दिया था तो उन्होंने शादी रचा ली और फिर चुनाव में आकर उतर गए। उन्होंने अजय सिंह को बकरी चोर कहते हुए कहा कि बाबू, अगर आप इतने सामाजिक और स्वच्छ छवि के थे तो खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ गए, अपनी पत्नी को क्यों चुनाव में उतार दिया, और आप जो मीडिया के सामने मेरे ऊपर जितना कीचड़ उछालना है उछाल दीजिए, लेकिन टुन्ना पांडे और आप में जमीन आसमान का फर्क है। आप महिला के दम पर राजनीति करते हैं और टुन्ना पांडे खुद जीत कर राजनीति करता है, और जो आकर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, वो तो आपके चुनाव में आए थे प्रचार करने, फिर आप क्यों चुनाव हार गए, आपको जनता नकार चुकी है साहब, और आप टुन्ना पांडे पर आरोप लगा रहे हैं। टुन्ना पांडे वो परिवार है जिसने राजनीति फायदे के लिए अपनी माँ बहन को चौखट से पार नहीं करवाया, अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा है। अगर है हिम्मत तो आइए किसी भी विधानसभा में फरिया लीजिए, आप भी निर्दलीय मैं भी निर्दलीय, पता चल जाएगा किसकी कितनी औकात है। बता दें कि टुन्ना पांडे ने जिस भाषा का इस्तेमाल जेडीयू नेता अजय सिंह के लिए किया है और कहा है वो भी सही नहीं है, और किसी नेता के लिए इस तरह का अमर्यादित बयान देना शोभा नहीं देता। लेकिन एक बात तो साफ है कि सीवान की राजनीति में अब भूचाल आने वाला है। देखना यह होगा कि टुन्ना पांडे के इस चैलेंज का जेडीयू नेता अजय सिंह कैसे जवाब दे पाते हैं।